तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का रोहित मंत्रा में। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ के विज्ञान के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हल करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड पेपर में बहुविकल्पी क्वेश्चन 20 नंबर का आने वाला है 2024 बोर्ड में। दोस्तों, आप लोग अगर 2024 बोर्ड पेपर में 100% यानी 100% डियर स्टूडेंट 20 नंबर कंफर्म करना चाह रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊँगा ये आपके बोर्ड पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है और कई बार आ चुके हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुविकल्पी क्वेश्चन जो होते हैं डियर स्टूडेंट आपके बोर्ड पेपर में रिपीट ही होते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, जो आपका पहला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक उदाहरण है भौतिक परिवर्तन का, रासायनिक परिवर्तन का, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। बताइए मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना किसका उदाहरण है, तो आप बताएंगे रासायनिक, किसका, रासायनिक परिवर्तन का। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके 2024 बोर्ड पेपर के लिए। चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे रासायनिक समीकरण BaCl2 प्लस H2SO4 इक्वल BaSO4 प्लस 2HCl, यानी देखिए बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल से यहाँ पे देखिए क्रिया किया गया है। उसके बाद देखिए इसमें पूछा क्या आपको, योगात्मक अभिक्रिया है कि निराकरण अभिक्रिया है कि अवक्षेपण अभिक्रिया है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट आपका अवक्षेपण अभिक्रिया है। क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया है। यहाँ पर देखिए बी ए जो है आपका एस ओ फोर के साथ जाके जुड़ गया है और सी एल टू और एस टू यहाँ पर मिला के 2HCl बना दिए हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए ZN प्लस CuSO4 इक्वल ZnSO4 प्लस Cu कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइएगा आप लोग। देखिए जो आपका ZN है ये आपका किससे जाके जुड़ा है, ये जो आपका ZN है ये आपका जाके जुड़ गया है SO4 से। देखिए ZnSO4 हो गया प्लस Cu को क्या कर दिया है, अलग कर दिया है। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। क्या, खा ऑप्शन इज़ द राइट। क्या हो जाएगा, खा ऑप्शन इज़ द राइट, यानी विस्थापन अभिक्रिया, यानी क्या कर दिया ZN Cu को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए इसके बाद देखिए अम्लीय विलयन का pH मान होता है, बताइए 7 होता है, 7 से अधिक होता है, 7 से कम होता है, 0 होता है, फटाफट बताइए। जिनको आ रहा कमेंट करेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे इजी क्वेश्चन है, बताइएगा 2024 में आपके बोर्ड पेपर में इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो अम्ल होते हैं, क्या, जो अम्ल यानी एसिड क्या होते हैं, वो 7 से कम होते हैं, यानी गा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखिए, यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है 2 होती है, 3 होती है, 1 होती है, 0 होती है, फटाफट बताइए। सल्फ्यूरिक अम्ल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, बताइए इसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या में देखिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए हाइड्रोजन यानी H2 यानी कितना H है इसमें, 2, यानी इसकी परमाणु संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है, अम्लीय होता है, उदासीन होता है, क्षारीय होता है, उभयधर्मी होता है, सल्फर डाइऑक्साइड बताइए इसका जलीय विलयन कैसा होता है। तो इसका आप बताएंगे, जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो आपका हो जाएगा अम्लीय होता है, क्या होता है, अम्लीय होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए आपका 7वां क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है, बताइए 1 होती है, 3 होती है, 2 होती है कि 4 होती है, फटाफट बताइए। ये आपके 2024 बोर्ड पेपर में के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि डियर स्टूडेंट अगर आप लोग 20 नंबर पक्का करना चाह रहे हैं साइंस में, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको यहाँ से 100% 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो बताइए एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे 1 होती है, कितनी होती है, 1 होती है।
चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है 0 होता, 7 होता, 7 से कम होता, 7 से अधिक होता है। बताइए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्या है? ईजी क्वेश्चन है, क्योंकि डियर स्टूडेंट अभी हम लोग अम्लीय विलयन का पीएच मान पढ़े थे। बताइए क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या हो जाएगा? आप बताएंगे 7 से अधिक होता है। क्या होता है? 7 से अधिक होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक विलयन नीले निडमस पत्र को लाल कर देता है, उसका पीएच मान होगा। बताइए, अगर किसी विलयन को नीले निडमस पत्र को लाल कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा? आपको मालूम है तो क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। जिनको आ रहा कमेंट करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। का ऑप्शन इज द राइट। क्यों होगा? क्योंकि जो जो आपका नीले लिटमस पत्र को लाल करता है वो क्या होता है? आपका एसिड होता है। क्या होता है? एसिड होता है, यानी अम्ल होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान है 5.2, 6.2, 7.2, 8.2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 5.2। क्या हो जाएगा? 5.2। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल की कठोरता हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा, धावन सोडा, विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल की कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आप बताएंगे धावन सोडा। किसका? धावन सोडा का किया जाता है। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए, शुद्ध जल का पीएच मान होता है 0 होता है, 7 होता है, 1 होता है, 14 होता है। फटाफट बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो आप बताएंगे शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, ध्यान रखिए। कितना होता है डियर स्टूडेंट? 7 होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका डियर स्टूडेंट, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। उसके बाद देखिए Na2CO3 10 × 10H2O, उसके बाद CaOCl2, उसके बाद NaOH। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आप बताएंगे Na2CO3 10H2O। खा ऑप्शन इज द राइट। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके बोर्ड में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है? CO, Na2CO3, CO2, O2। तो बताएंगे आपका क्या? खा ऑप्शन इज द राइट। कौन सी गैस निकलती है? Na2CO3। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु है जिंक है, Cu यानी कॉपर है, Ag है, Hg है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु है तो आप बताएंगे आपका जिंक है। क्या है? जिंक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तांबे का अयस्क है बॉक्साइट, कार्नेलाइट, मैलेकाइट, सीडेराइट। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैलेकाइट, यानी गा ऑप्शन इज द राइट। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपके बोर्ड पेपर 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है, पीतल क्या है? उपधातु है, यौगिक है, मिश्र धातु है, विस्मांगी है। तो बताइए पीतल जो होता है आपका डियर स्टूडेंट, वो आपका क्या होता है? वो आपका होता है मिश्र धातु। क्या होता है? मिश्र धातु है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है CH4, C4H10, C3H8, उसके बाद देखिए C2H6। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आप बताएंगे C3H8 होता है, यानी कि गा ऑप्शन इज द राइट। और ये आपके बोर्ड पेपर के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग 2024 में पेपर देने वाले हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए, एल्कोहलों के भी हाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होता है अम्ल, एल्डिहाइड, एस्टर, एमीन। तो क्या होता है? तो आप बताएंगे एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्डिहाइड होता है। और ये आपके बोर्ड पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन है, कार्बन परमाणु की संयोजकता क्या होती है? 2 होती है, 4 होती है, 3 होती है, 5 होती है। फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है वो 4 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है श्वसन में, पाचन में, उत्सर्जन में, पोषण में। तो बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड पेपर में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, 2024 में भी आने का 100% चांस है। बताइए हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका किसमें निभाता है? तो आप बताएंगे श्वसन में। का ऑप्शन इज द राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट,
पुष्पीय पादपों में निषेचन होता है, बीजांड में, अंडाशय में, पराग नलिका में, यहाँ पर देखिए भ्रूण कोष में। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुष्पीय पादपों में निषेचन होता है। तो आप बताएंगे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, यहाँ पर हो जाएगा भ्रूण कोष में। चलिए अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है शून्य होती है, 25 सेंटीमीटर, अनंत होती है, -25 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइएगा आप लोग, जिनको आ रहा होगा वो कमेंट जरूर करेंगे। जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो आपका अनंत से अनंत होता है, क्या होता है, अनंत होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखिए मानव नेत्र द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है कार्निया पर, आयरिस पर, पुतली पर, रेटिना पर। तो आप किस पे बताएंगे, जो मानव नेत्र का प्रतिबिंब बनता है वो आपका बनता है रेटिना पर, यानी आपका क्या हो जाएगा, घा ऑप्शन इज द राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट 25वां, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है 25 सेंटीमीटर पर, 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर, अनंत पर, अनंत से कम दूरी पर। फटाफट बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, आप लोग बताइए, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित कहाँ पे होता है। तो आप बताएंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा अनंत से कम दूरी पर, यानी घा ऑप्शन इज द राइट। तो डियर स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन को हल किया है, कितने 25 क्वेश्चन को हल किया है, जो कि आपके बोर्ड पेपर के लिए क्या सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में देने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 25 क्वेश्चन मैंने जितने भी बताए हैं सब रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आपके बोर्ड पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है, और 2024 में भी यह क्वेश्चन आने का 100% चांस है। तो डियर स्टूडेंट इस चैनल पर सभी विषय का अच्छे से तैयारी कराया जा रहा है, आप लोग यहाँ से जुड़कर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।